Hello children, in this video we will do a Python program to find smallest number in a list. Okay, list में से सबसे smallest value आप कैसे निकालोगे? So here we have three methods. Three methods हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे easy method है short the list in ascending order and print the first element in the list. ये क्या कह रहा है? सबसे पहले आप अपने list को ascending order में arrange कर दो. Ascending order क्या होता है? Smallest value to largest value. Okay, और जो smallest value क्या होगी? जो सबसे पहली value होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी. ओके, और जो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाली वैल्यू को प्रिंट करा दो. राइट, सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट ले, लिस्ट वन, यहाँ पे आपने लिस्ट वन को ले लिया है 5 2 15 10 20 लाइक दिस. ओके, सेकंड कमांड आपने दी है प्रिंट लिस्ट वन, प्रिंट लिस्ट इज लिस्ट वन. ओके, सो दिस इज योर लिस्ट वन. ये आपकी लिस्ट वन, जो आपकी लिस्ट है वो प्रिंट हो गई है. फाइन, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, लिस्ट वन डॉट शॉर्ट, शॉर्ट फंक्शन की हेल्प से लिस्ट वन को शॉर्ट करा दिया असेंडिंग ऑर्डर में. बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज कर देता है उसकी वैल्यूज को. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेगा और सबसे बड़ी वैल्यू तक ले जाएगा. फाइन, ओके, तो नेक्स्ट आपने कमांड क्या दिया है, शॉर्टेड लिस्ट इज लिस्ट वन, जो आपकी शॉर्टेड लिस्ट को आपने प्रिंट करा दिया. तो यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्टेड लिस्ट इज दिस 2 5 10. अब क्या हो गया, हमारी सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज 2, हियर फर्स्ट पोजीशन पे है. फाइन, तो आपने क्या किया, सिंपली प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज लिस्ट वन 0 इंडेक्स. फाइन, 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी. तो 0 इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है, वो आपकी आ गई. फाइन, तो बहुत ही इजी मेथड है जिससे हमने क्या किया, लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट किया है. नाउ द सेकेंड मेथड इज यूजिंग मिन फंक्शन. ओके, आप मिन फंक्शन की हेल्प से लिस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करोगे. तो आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट वन आपकी, दिस इज योर लिस्ट वन. ओके, लिस्ट को प्रिंट करा दिया, लिस्ट वन, लिस्ट इज लिस्ट वन, दिस इज योर लिस्ट. ओके, आपने सिंपली एक लिस्ट ली और उसको प्रिंट करा दिया. अब आपने क्या करना है, प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज मिन, मिन फंक्शन में लिस्ट वन को पास कर दिया. जब आप क्या होता है, जब आप मिन फंक्शन में एक लिस्ट को पास करते हो तो क्या रिटर्न होता है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न होती है. तो आपके पास क्या आ गया, 5. फाइन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5. ओके, यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा और उस इनपुट में से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपने क्या लिया, लिस्ट, ओके, इक्वल टू इविल, इविल फंक्शन का यूज किया है. ओके, इनपुट एंटर लिस्ट. अब इनपुट की हेल्प से आपको क्या होगा, आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, एंटर लिस्ट. ओके, दिस प्रॉम्प्ट यू विल गेट, ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा. ओके, और जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो क्या होगी, एज अ स्ट्रिंग एंटर होगी, क्योंकि क्या करता है, इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग लेता है वैल्यू को. अब इविल फंक्शन का यहाँ पे क्या यूज है, इविल फंक्शन क्या करेगा, जो भी इनपुट आपने कराया है, अगर नंबर्स, अगर इंटीजर्स कराए हैं तो उसको इवेल्युएट कर देगा, मतलब उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देगा. आप अगर आपने फ्लोट वैल्यू एंटर कराई है तो आपकी फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी. फाइन, तो ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इवेल्युएशन करता है, उसको कन्वर्ट करता है. फाइन, अब आपने क्या किया, लिस्ट ली, लेंथ, लेंथ में क्या लिया है आपने, लिस्ट की लेंथ निकाल ली. ओके, लिस्ट की लेंथ फंक्शन में लिस्ट को पास किया, लेंथ फंक्शन में पास करने से लिस्ट की लेंथ आ गई, जो आपने लेंथ वेरिएबल में स्टोर करा दी. अब आपने क्या एज्यूम किया है, मिनिमम जो एलिमेंट, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो क्या है, लिस्ट के 0 इंडेक्स पर है, ये हमने एज्यूम कर लिया. फाइन, और जो मिनिमम इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है. हमने ये मान लिया कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पर है. फाइन, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्स इसलिए करना है कि हम देखेंगे कि क्या फर्स्ट वैल्यू ही सबसे छोटी है, बाकी की वैल्यू में से कोई वैल्यू सबसे छोटी है. फाइन, तो आप ट्रेवर्सिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, फोर लूप आप लगाओगे, फोर आई इन रेंज वन. वन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी 0 इंडेक्स तो हमने सोच रखा है, एज्यूम कर रखा है कि उसपे स्मॉलेस्ट वैल्यू है. और ये कहाँ तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा, लेंथ माइनस वन. अगर 5 है तो 4 इंडेक्स तक चलेगा. ओके, अगर 6 है तो 5 इंडेक्स तक चलेगा. राइट, ओके, अब 4i इन रेंज 1, तो सबसे पहले ये क्या लेगा, रेंज 1 की वैल्यू लेगा. ओके, तो अब आप नीचे जाओगे, कंट्रोल नीचे जाएगा, इफ लिस्ट आई, लिस्ट आई में क्या है, अभी 1 इंडेक्स की वैल्यू है, वो क्या है, इससे मिनिमम जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है, उससे छोटी है. ओके, हमने क्या सोचा हुआ कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू सबसे छोटी है, अगर लेकिन जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर वो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू से भी छोटी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो मिनिमम एलिमेंट है उसके अंदर 1 इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी. ओके, और मिनिमम इंडेक्स क्या बन जाएगा, 1.
फाइन ओके, कंट्रोल फिर लूप के पास जाएगा। अब आई कहाँ पे जाएगा? अब आई सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को, सॉरी, अब आई आई सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को लेगा, दैट इज फाइव। ओके, फाइव लेने के बाद फिर क्या होगा? नीचे जाएगा। फिर अब ये चेक होगा क्या जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो मिनिमम एलिमेंट जो अभी हमारा क्या था, वन इंडेक्स की वैल्यू इसके अंदर है। ओके, क्या उससे छोटी है? अगर छोटी है, अगर ये वैल्यू आई मतलब जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर वन इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटी है तो क्या होगा? मिनिमम इंडेक्स में क्या चला जाएगा? मिनिमम इंडेक्स में चला जाएगा इंडेक्स टू की वैल्यू। ठीक है, ओके। और अब क्या होगा? मिनिमम इंडेक्स क्या बन जाएगा? इंडेक्स टू। ओके, अगेन वो आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा, फोर लूप चलेगा। अब क्या करेगा ये? थर्ड इंडेक्स वैल्यू लेगा, दैट इज 10, राइट? थर्ड इंडेक्स वैल्यू लेगा, दैट इज 10। अब 10 का कंपैरिजन किसके साथ होगा? 5 के साथ। ओके, कैसे होगा? इफ लिस्ट आई आई लिस्ट आई पे क्या है? 10 है, क्योंकि इंडेक्स 3 है। आई क्या है? इंडेक्स 3 की वैल्यू है, तो ये क्या है? 10। अगर ये क्या है? 5 से छोटी है। ओके, मतलब जो सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू से छोटी है, तो क्या होगा? मिनिमम एलिमेंट में क्या चला जाए? इंडेक्स 3 की वैल्यू, दैट इज 10, 10 चली जाए, और मिनिमम इंडेक्स क्या बन जाए? इंडेक्स 3, राइट? अगेन कंपैरिजन होगा आपका 12 का 10 से, देन 15 का 12 से, राइट? ऐसे करके आपके वन बाय वन कंपैरिजन होता जाएगा। कंपैरिजन होगा मिनिमम वैल्यू के लिए, फाइन। अगेन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये आपका फोर इंडेक्स वैल्यू कंटेन करेगा आई। नीचे जाएगा लिस्ट, जो लिस्ट का फोर इंडेक्स है उस पे वैल्यू है 12, 12 का कंपैरिजन होगा 10 से, क्योंकि अभी मिनिमम एलिमेंट में 10 वैल्यू है, फाइन। तो अब यहाँ पे आएगा, अगर ये इससे छोटी है, मतलब फोर इंडेक्स की वैल्यू अगर 12 10 से छोटा होता, मतलब अगर ये ऐसा होता वैल्यू 10 की जगह कुछ और होता, राइट, मान लो 15 होता, तो क्या होता? मिनिमम एलिमेंट में चला जाता आपका इंडेक्स 4 की वैल्यू, फाइन। ऐसे करके कंपैरिजन होगा। ओके, फिर आपने क्या प्रिंट करा दिया? गिवन लिस्ट इज लिस्ट, ओके, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज मिनिमम एलिमेंट एट इंडेक्स मिनिमम इंडेक्स। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे? जीरो इंडेक्स की वैल्यू का वन से कंपैरिजन हुआ, फिर वन का टू से, टू का थ्री से, थ्री का फोर से, फोर का फाइव से, फाइन। अगर मान लो वन से लेकर आपका फाइव इंडेक्स तक कोई भी वैल्यू जीरो इंडेक्स की वैल्यू से छोटी नहीं थी, तो क्या होगा? जो हमने एज्यूम किया था वही वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कि जीरो इंडेक्स की वैल्यू ही सबसे छोटी है। अगर हमें इन बिटवीन कोई सी भी वैल्यू मिल जाती है सबसे छोटी, तो वो सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फाइन। नाउ यू कैन सी आपका रिजल्ट क्या है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज टू एट इंडेक्स वन। तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल के आ गया है, टू है, जो कौन से इंडेक्स पर है? इंडेक्स वन पर है, राइट? ओके, नाउ वी विल डू इट ऑन आइडल ऑल्सो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड करते हैं, ठीक है? क्या करना है? लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे आप, हमने एक लिस्ट ली, फाइन, कोई भी आप लिस्ट ले लो, 15, 10, 20, मैंने एक छोटी सी लिस्ट ले ली यहाँ पे। ओके, प्रिंट करा दिया, प्रिंट, लिस्ट इज ओके। नाउ वी विल यूज शॉर्ट फंक्शन, ठीक है? शॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए। सिंपली हमने एक लिस्ट बनाई और शॉर्ट फंक्शन की हेल्प से हम उस लिस्ट को क्या कर रहे हैं? शॉर्ट कर रहे हैं, फाइन। प्रिंट शॉर्टेड लिस्ट इज लिस्ट, ओके, देन प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज लिस्ट जीरो। ओके, अब हमने जीरो एलिमेंट को, जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि वो क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका। नाउ हियर यू कैन सी लिस्ट इज
5 to 15 10 20 ओके, शॉर्टेड लिस्ट इज 2 5 10 15 20 ओके। आपने क्या किया, शॉर्ट फंक्शन से उसको अरेंज कर दिया, तो आपका क्या आ गया, टू आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया और लार्जेस्ट आपका इन द एंड आ गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2। फाइन, आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल के आ गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2 ओके। नाउ वी विल अप्लाई द सेकेंड मेथड, लिस्ट ली आपने 5 10 30 25 40, कोई भी लिस्ट आपने बना ली यहाँ पर, ठीक है ओके। नेक्स्ट आपने कमांड दे दिया प्रिंट लिस्ट ओके, देन नेक्स्ट कमांड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज मेन लिस्ट। तो आपने क्या किया, सिंपली मेन फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास कर दिया, फाइन। अब देखो आपका इसका रिजल्ट आ गया है, लिस्ट इज 5 10 30 25 40 ओके, एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5 राइट। आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया, फाइन। नाउ वी विल डू द लास्ट मेथड, क्या करेंगे इसके अंदर हम, सबसे पहले लिस्ट वी विल इनपुट एंटर लिस्ट फाइन ओके, देन लेंथ निकालोगे आप लिस्ट की, लिस्ट ओके, देन हमने क्या एज्यूम किया है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमारा जीरो इंडेक्स पर है, फाइन। तो आपने क्या कर दिया, लिस्ट जीरो ओके, और आपका मेन इंडेक्स क्या है, जीरो ओके। नाउ वी विल यूज फॉर लूप टू ट्रेवल्स द लिस्ट रेंज 1 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, फाइन। ये मैंने अभी आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, इफ लिस्ट आई इज स्मॉलर देन मिन एलिमेंट ओके, तो आपका क्या हो जाए, मिन एलिमेंट में चला जाए लिस्ट आई, लिस्ट आई ओके, एंड मेन इंडेक्स आपका क्या हो जाए, आई फाइन। अब आपको क्या करना है, प्रिंट गिवन लिस्ट इज लिस्ट, आपने लिस्ट को प्रिंट करा दिया, देन प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज प्रिंट मीन एलिमेंट एट इंडेक्स मेन इंडेक्स राइट फाइन। अब आप देखो आपका क्या है यहाँ पर,
एंटर लिस्ट, आपको लिस्ट को एंटर कराना है, तो मैंने कोई भी लिस्ट एंटर करा दी। इसके अंदर 4, 6, 8, 10, 20, ओके दिस इज माय लिस्ट, फाइन। अब नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, गिवन लिस्ट इज 5, 2, 4, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज 2 एट इंडेक्स 1, ठीक है। तो इसका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है और उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1, राइट। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट टॉपिक।